तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम के लिए रील किस तरह से एडिट करते हैं हम अपने कंप्यूटर के साथ, अपने कैपकट के साथ। आज की जो एडिटिंग मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो कैपकट का ट्यूटोरियल होने वाला है कि किस तरीके से मैं या कोई भी वीडियो क्रिएटर, कॉन्टेंट क्रिएटर या इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर अपने शॉर्ट को या फिर अपनी रील्स को किस तरह से एडिट करते हैं, किस तरीके से एसेट्स लगाते हैं, कौन सा इफेक्ट कैसे लगाया जाता है, की फ्रेम किस तरीके से लगाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहो। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप लोगों को पूरा प्रोसेस आपको करना है। तो दोस्तों हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा इंटरफेस कैपकट का है। यहां पर आपको इंपोर्ट करनी है, यहां पर आपका जो आप प्ले करेंगे वो आपको यहां पर शो होगा। इस जगह पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, कौन सा इफेक्ट आपको लगाना है, नीचे टाइमलाइन है। ये आपका थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है। मैं जानता हूं आप लोगों को ये चलाना जरूर आता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है और ये मोबाइल के लिए भी है और कंप्यूटर के लिए भी है, तो दोनों के लिए आपको मिल जाता है। अगर आप लोग मोबाइल फोन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो सेम प्रोसेस, सेम इफेक्ट, सेम मेथड यही रहेगा। बस क्या है कि स्क्रीन आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती है कंप्यूटर के साथ और मोबाइल में आपकी थोड़ी छोटी होती है। तो यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे कोई भी फाइल जो भी हमें एडिट करनी है। तो जैसे कि मैं इसे एडिट करना चाहता हूं, दोस्तों सिंपली हम इसे उठाकर डालेंगे अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन के अंदर। तो मैंने यहां पर ये कर लिया है। अब सिंपली आप देख सकते हैं यहां पर ये 1 मिनट के आसपास की वीडियो है, लेकिन हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी कटाई छटाई करेंगे कि इसके अंदर जो आलतू फालतू पार्ट है वो सब चीज़ हम डिलीट करने के बाद देखेंगे कितनी देर की हमारी ये बनकर आती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ी कलर ग्रेड करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी कलर ग्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पर कलर ग्रेड के लिए देखिए, इसमें आप देख सकते हैं रोशनी थोड़ी कम है, तो मैं इसमें रोशनी डालने वाला हूँ। यानी कि इसके अंदर हम आएंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप एक्सपोजर देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने से ही हमारी वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छा लुक आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊँगा, कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट मेरे पे थोड़ी तकरीबन 10 के आसपास रख लेते हैं और शेडो में थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा। वाइट को हम थोड़ा बढ़ा देंगे और ब्लैक से कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा दूंगा, वाइट को थोड़ा मैं कम कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा फाइनल आ रहा है। शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारी जो इंस्टाग्राम की वीडियो है वो हमारी कंप्रेस हो जाती है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए आपको शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा देना है ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ सके। यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी सी आप इसे बढ़ा देंगे, दोनों को मैं तकरीबन बराबर ही रख रहा हूँ। और उसके बाद आप ये विग्नेट को थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पे फोकस के लिए कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारी लाइटिंग हो गई। अब आते हैं HSL के अंदर। HSL के अंदर हमारा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे फेस पे थोड़ा सा येलो रंग ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम कर लूँगा, तो इसको थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा फेस जो है ब्राइट हो सके हमारा। येलो है दोस्तों, येलो इसके अंदर है नहीं तो मैं बैक कर लूँगा। यहाँ पर ग्रीन कलर है देख रहे हैं आप, तो ग्रीन को आप चाहें तो येलो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप इधर ब्लू की साइड में लेके जा सकते हैं। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे, थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैं यही रहने दूंगा और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा दूंगा। ब्लू इसके अंदर आप देख सकते हैं है या नहीं, देखिए ऐसे हिला कर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो जहाँ भी आपको कलर जो भी अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली येलो के साथ नीला ले रहा हूँ और यहाँ इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा बस। तो दोस्तों ये कुछ हमारे पास में निकल कर आता है फाइनल। इसे मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं हल्का सा बढ़ाऊँगा और इसे हल्का सा आप चाहे पीछे को ले जाएं या आगे को ले जाएं, जो लुक आपको अच्छा लगे वो आप कलर के साथ खेल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। HSL होने के बाद आते हैं कर्व में। कर्व सिंपली मैं क्या काम करता हूँ, हल्का सा इसमें ये वाला इफेक्ट डालता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और आप चाहें तो यहाँ से इसमें जो येलो कलर है वो थोड़ा कम कर सकते हैं या फिर आप ब्लू इसका बढ़ा सकते हैं ब्लूइश। तो यहाँ पे मैं हल्का सा इसको नीचे की तरफ या ऊपर को देखो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ मैं हल्का सा कर लूँगा। यहाँ पर आप रेड कलर ज़्यादा लग रहा है आपको, तो यहाँ से रेड को आप थोड़ा इस तरह को दबा देंगे तो रेड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही रखूँगा। तो दोस्तों इसी कलर ग्रेडिंग हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें जो भी मैंने इसके अंदर फालतू के वर्ड्स बोले हैं या मैं कहीं पर अटका हूँ, तो सबसे पहले हम वो रिमूव करेंगे यहाँ पर। तो क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इधर से ये टाइमलाइन लंबा छोटा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको रखना है। तो मैं इतनी रख लेता हूं, अब देखते हैं सुनकर कि कहना क्या चाहता हूं। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो आपको जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहां से बोलना शुरू करा है तो मैं इतना सारा पार्ट जितना भी था वो काट दूंगा। काटने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट काटना है तो आप क्यू का इस्तेमाल करिए तो लेफ्ट कट जाएगा, और आपको अगर राइट काटना है तो डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट है कैपकट की, ठीक है। तो यहां से आप सुनते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो बस। तो दोस्तों हमारे पास में कुल
कुल जो एक मिनट की वीडियो थी वो कुछ 28 सेकंड की वीडियो बन गई है, 28-29 सेकंड की। दोस्तों ये तो हो गई हमारी कटाई छटाई, अब इसके बाद हमें ऑडियो को ज़्यादा बेहतर करना है। तो ऑडियो को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको जो थोड़ा सा फालतू पार्ट था उसको आप थोड़ा लंबा कर लीजिए, इतना। तो मैं इसे क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताऊँगा, क्योंकि जब हम ऑडासिटी के अंदर एडिट करते हैं अपनी ऑडियो को तो दोस्तों वहाँ पे हमें एक ऐसा पार्ट चाहिए होता है जो नॉइज़ को कैप्चर करता है। तो ये वो पार्ट है जिसमें हमारी नॉइज़ आई होगी, देख रहे हैं आप कि आवाज़ आ रही है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जो ऑडासिटी है उसके अंदर से हम नॉइज़ को रिमूव करेंगे इस ऑडियो की, तो बाद में हम इसे डिलीट कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट में आएंगे। एक्सपोर्ट में आने के बाद वीडियो पे जो चेक है उसे हटा देंगे, क्योंकि हमें ऑडियो सेव करनी है ऑडियो। तो ऑडियो के लिए यहाँ पर आप कुछ नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर CCCC नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। आपका एक सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग सिर्फ कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ऑडासिटी जो है आपका मोबाइल के अंदर नहीं चलता है। तो सिंपली मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर ऑडासिटी को ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद इसको ऑडासिटी के अंदर इस तरीके से ड्रॉप कर दूँगा। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था वो यही पार्ट है। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नॉइस में आएंगे और यहाँ पर नॉइस दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर आकर नॉइस रिडक्शन में क्लिक करेंगे और गेट प्रोफाइल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा वहीं पर आएंगे और यहां से इसे ओके कर देंगे। तो दोस्तों जितनी भी नॉइज़ थी वो यहां से कट गई है, लेकिन मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। मैं क्या काम करता हूं दोस्तों, यहां पर गेट, यहां पर नॉइज़ गेट दिखाई दे रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों एक बार सुनकर देखते हैं इसको। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट, यस। तो अब हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसमें लगाना है कंप्रेसर। तो सबसे पहले कंप्रेसर, देखिए वॉल्यूम के अंदर आएंगे आप, यहाँ पर कंप्रेसर दिख जाएगा, जो सेटिंग है वही आपको रखनी है, सिंपली अप्लाई कर देना है और ये कंप्रेसर लग चुका है आपका। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर EQ फिल्टर के अंदर आएंगे और यहाँ पर बेस एंड ट्रबल पर क्लिक करेंगे, जो सेटिंग है वही रखेंगे, अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप फाइनल इफेक्ट लगाने वाले हैं ग्राफिक EQ, जो सेटिंग है वही रखनी है और सिंपली आपको क्या कर देना, ओके कर देना। अब ये देखिए आपकी आवाज़, अब अगर आप अपनी आवाज़ सुनेंगे तो एक अलग ही प्रोफेशनल लुक आएगा, देखिए अब आप। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो आपको जरूर, देख रहे हैं आप कितनी क्रिस्प हो गई है आपकी आवाज़, एक बूस्ट हो गई है और प्लस क्लियर हो गई है। अब इसको सिंपली क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से एक्सपोर्ट ऑडियो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आप कुछ नाम दे देता हूँ SSS और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे एक्सपोर्ट और ये हो गई हमारी क्लोज, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो फाइनल आई है वो ये है, इस वाली को हम कट कर देंगे इस तरह से। दोस्तों इसको उठाकर हम कैपकट के अंदर ले जाएंगे और कैपकट में लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लाके टाइमलाइन में छोड़ देंगे इसको और बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे, ठीक। स्टार्टिंग का मतलब आप लोग बिल्कुल स्टार्ट यहाँ पर ले जाएंगे। थोड़ा सा जूम करेंगे आप लोग इसको और जूम करने के लिए दोस्तों आपके किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपकी है टाइमलाइन की जूम करने की लाइन, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े से ये हटके भटके दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसे सिंपली थोड़ा सा मैं पीछे से कट कर दूंगा और इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा इस तरह से। दोस्तों ये आपका लगभग मैच होना चाहिए, लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100% नहीं होगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक इसके अंदर लगा हुआ है ये वाला। तो अगर मैं इसे मैच करना चाहूँ तो ये देखिए तब भी नहीं होगा, ये देखिए इसको ऑफ करने के बाद भी। तो यहाँ पर आप लगभग में मैच हो चुकी है आवाज़, आप आगे पीछे आवाज़ मत कर लेना अपनी, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो बहुत बारीकी का काम है दोस्तों, हेडफोन ज़रूर लगा लेना आप लोग ताकि आप अपनी आवाज़ को ध्यान से सुन पाएँ। अब मैं सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, इसकी जितनी भी आवाज़ थी वीडियो की आवाज़ को, उसको मैं यहाँ जा करके ऑफ कर दूंगा, वॉल्यूम मैंने कम कर दिया। अब मेरी आवाज़ नीचे वाली चलेगी और इसे मैं डिलीट कर दूंगा, ये हमारा फालतू पार्ट था, और यहाँ से यहाँ तक इसे भी डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब देखते हैं सुनकर जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो आपको ज़रूरत होने वाली है, देखा आप लोगों ने, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग अपनी ऑडियो को मैच कराते हैं वीडियो के साथ। तो हमारे दो स्टेप हो गए। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था, हमने वीडियो के अंदर से जो फालतू पार्ट थे उनको काटा। दूसरे पार्ट में हमने क्या सीखा है कि ऑडियो को किस तरीके से हम लोग मैच कराते हैं और एडिट करते हैं ऑडासिटी के अंदर। कुल 3 स्टेप के अंदर आप अपनी वॉइस को बहुत ही बेहतरीन लुक दे सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आ गए हम लोग, अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हम इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमें अब क्या लगाने हैं, एसेट्स लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे मोबाइल से, तो मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए,
इस वाली वेबसाइट से हम मोबाइल का कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल मैं मोबाइल डाल दूंगा और यहाँ पर एंटर करेंगे। इस वाली वेबसाइट का नाम देख लीजिए आप लोग, और हमें चाहिए फिल्टर में जाइए, हमें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल चाहिए। तो लंबी लंबी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी हमारे रील्स के हिसाब से। तो दोस्तों मुझे ये वाली वीडियो थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसे पॉज कर दूंगा। पॉज करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 1080 पिक्सल वाली वीडियो को क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आता, कॉपीराइट फ्री है। तो इसको आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के लिए भी और इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए भी। तो यहाँ पे आप इसे सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पर, और ये मैंने सेव कर ली, सेव हो जाएगी 1-2 सेकंड के अंदर ही आपकी, डिपेंड करता है आपकी नेट स्पीड कितनी है। तो मैं इसको उठाकर दोस्तों कहाँ ले जाऊँगा, अपने कैपकट के अंदर, और सिंपली जहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ उसी के आसपास मैं इसको लगा दूंगा इस तरह से दोस्तों। तो आप सुनकर देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे मोबाइल आया तो यहाँ पर इस तरीके से। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो, यहाँ तक बस इतना, अब देखते हैं। दोस्तों तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो आपको जरूरत होने वाली है कैप। आइए ये इफेक्ट देखते हैं हम किस तरीके से लगाने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास ये है लोगो कैपकट का, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये देखिए आ गया है, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये सारे के सारे एसेट्स आपको, जितनी फोटो हैं ये सब आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे मेरे। तो आप मेरे टेलीग्राम पेज से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर आपको न्यू मिलेंगी, चाहे वो बैकग्राउंड इमेज की बात हो, या फिर हमारे PNG फोटोज़ की बात हो, या फिर हमारे साउंड इफेक्ट की बात हो, या फिर किसी भी चीज़ की बात, तो वहां पर मैंने सब चीज डाल रखी है। यहां तक कि मैंने प्रीमियम एप्लीकेशन भी डाल रखे हैं, प्रो वर्जन जो कि अनलॉक है। आप लोग जाइए वहां से सिंपली डाउनलोड कीजिए और जितना चाहे आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग कैपकट पर कुछ इफेक्ट लगाने वाले हैं। दोस्तों यहां पर मैं इस तरीके से इस कैपकट को यहां पर लगाने वाला हूं, ठीक है। अब ये कैपकट आ कहां से रहा, पहले आवाज सुन लेते हैं। एडिट करते हो तो आपको जरूरत होने वाली है कैप, देखिए कैपकट यहां आ रहा है, जरूरत होने वाली है कैपकट। अब ये कैपकट के प्रो वर्जन की, प्रो वर्जन की ये देखिए इतना रखेंगे हम, और इसके अंदर एक एनिमेशन लगाएंगे। अब एनिमेशन कौन सा लेना है, वाली है कैप इस तरीके से जो नीचे से उठकर आता है। इसकी मैं टाइमिंग थोड़ी सी 3 सेकंड कर लूंगा। अब प्लस मैं चाहता हूँ यहाँ से इसका ये ताज आना चाहिए, प्रो के लिए ताज होता है ना, तो यहाँ पर मैं इसे इतना, और मैं इसे देखिए किस तरीके से लगाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर, मैं इसको इस तरीके से लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में एनिमेशन है, इसको लाता हूँ मैं साइड से, स्लाइड कौन सा वाला, साइड से ये वाला वाली है कैप, ये देखिए आ रहा ना। अब बाद में हम इसको क्या करेंगे, आउटर में, ये आउटर है, दोनों पर इफेक्ट करेंगे। तो आउटर के लिए ये दोनों को मैं इधर ही लेके जाना चाहता हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 3 सेकंड कर दूंगा, और इस पर भी मैं यही वाला इफेक्ट लगाने वाला हूँ ये, और हम इसे 3 सेकंड कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए, तो आप देखते हैं होने वाली है कैपकट के प्रो वर्जन की। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने, तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से इफेक्ट बनकर तैयार हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा ब्लैक होना चाहिए, या फिर कोई और कलर का होना चाहिए, और इसके नीचे ले लेंगे हम इसे इस तरीके से नीचे की साइड में, ताकि नीचे से दिखाई दे। अब देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये कुछ अच्छा लगेगा। तो और इसमें एक एनिमेशन लगाएंगे, वही वाला जो नीचे से ऊपर को आएगा। तो कौन सा है, ये वाला अली है कैप, ये देखिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, और थोड़ा इसे भी 3 सेकंड के आसपास कर लेते हैं, और आउटपुट में आकर हम लोग इसे नीचे कर देंगे। तो नहीं, नीचे कौन सा है, डाउन, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसे भी 3 कर लेंगे इस तरीके से। तो अब दोस्तों हमारे पास में कुछ इस तरीके का इफेक्ट बनकर तैयार हो गया। अब देखिए आप, होने वाली है कैपकट के प्रो वर्जन की। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये है मेरा टेक्निकल साहू वाला चैनल, जिस पर देखिए आप ये सब चीज़ यहाँ मैंने दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप ये देखिए सारे एसेट्स दे रखे हैं, सारी चीज़ें, ग्लो वाले आइकन, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ साउंड इफेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको मैंने सब चीज़ दे रखी है यहाँ पर। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने अपना एक एसेट्स बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन स्क्रीन में जाकर। ये देखिए इसे मैं यहाँ आऊँगा और इसे यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा, और ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, तो या फिर आपका VN एप्लीकेशन हो। तो जल्दी जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी जानकारी के लिए। तो सिंपली मैं क्या काम करूंगा, इसको लगाऊंगा नीचे की साइड में, इसको लगाऊंगा मैं नीचे की साइड में, और इसे कट आउट करेंगे। रिमूव पर जाएंगे, की पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, लाके छोड़ देंगे, और इसने कर देंगे हाई। अब इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, इतना इतना तो होने ही दो, अब देखते हैं। तो जल्दी जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैंने लगभग इसमें मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे इफेक्ट ये लगा दिए हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, अब इसके अंदर साउंड इफेक्ट लगाने की बारी आती है। तो दोस्तों साउंड इफेक्ट के लिए मैंने पूरा का पूरा जो मेरे रोज के इस्तेमाल के हैं, तो मैंने कॉपी करके सबको इसके अंदर डाल लेता हूँ।
इसके अंदर। अब जो भी जरूरत पड़ेगी मैं यहाँ से निकाल लूंगा, मैं इस वाले को सबसे शुरू में लगाऊंगा इस तरीके से। थोड़ा सा कट कर लेते हैं इतना, और इसकी वॉइस को मैं थोड़ा सा बूस्ट कर लूंगा। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो यहाँ पर लगाता हूँ ये इस तरीके का। तो मोबाइल से अपनी वीडियो को एडिट करते हो तो आपको जरूरत होने वाली है कैपकट के प्रो वर्जन की। अब जैसे ये नीचे से निकल कर आया तो जूम वुश की आवाज आनी चाहिए, तो मेरे पास वुश यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे कि ये वाला, तो मैं इसको यहाँ लगाने वाला हूँ। अब देखते हैं कहाँ से निकल कर आया, ये आया यहाँ से, तो यहाँ पर मैं इसको लगाने वाला हूँ इस तरह से। अब देखते हैं होने वाली है कैपकट के प्रो वर्जन की। तो अभी नीचे गया तो फिर से ऑल्ट दबाकर इसे मैं आगे ले जाऊंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। तो आप लोगों ने, तो दोस्तों अब बारी है हम, ये जो एक तरह की स्क्रीन आ रही है दोस्तों, इसको मैं जूम करना चाहता हूं थोड़ा सा। तो मैं जूम कैसे करूंगा, इसका स्केल बढ़ा लूंगा इस तरह से, और इसे थोड़ा सा नीचे कर लूंगा इस तरह से। अब देखते हैं, तो यहां से मैं इसे फिर से छोटा कर लूंगा, फिर से वैसा ही जैसा था। तो अभी आप देखेंगे ना तो इफेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, ये बड़ा कूल लगता है। आपको सिंपली क्या करना है, मेरे बायो में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको जितने भी प्रो एप्लीकेशंस हैं वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पर कैपकट बोला है मैंने, तो मैं यहीं पर ही कट लगा देता हूं एक, ताकि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सके यहां पर, और इसे मैं थोड़ा जूम कर लूंगा। तो चाहे वो कैपकट हो, पिक्सआर्ट हो, या फिर आपका VN एप्लीकेशन हो। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी वीडियो तैयार। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से इसके कैप्शन लिखे जाते हैं, चाहे वो हिंदी की हो या फिर इंग्लिश का हो, तो उसको हम किस तरह से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो सीखेंगे तब जब आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा स्किल्स लगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको करके दिखाई हैं इसके अंदर, थोड़ा मैंने फास्ट भी कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा बच सके। तो अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने चाहें आप लोग कैप्शन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाता हूं अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका फाइनल एडिशन देखना है तो वो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहां या यहां आपको मिल जाएगा। जाइए, जाकर वहां ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी चीजें मैं वहां पर डालता रहता हूं, मेकिंग से रिलेटेड, अपने एसेट्स से रिलेटेड, अपने कैमरे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसके अंदर डालता रहता हूं। तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, प्लस लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अक्टूबर आने वाला है अगले महीने में, तो मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट जल्दी करा दो यार, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और सुहेल के साथ टेक्निकल नॉलेज मिलता है, वो हमें बताए साथ साथ।